हम जा रहे हैं जिम नहाने। गाइस अभी भी मेरे घर में एक एलियन आया है और वो सीधा मेरे गेट पे लैंड हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। क्या हाल चाल है आप लोगों का? स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। मैंने सोचा कि यार दोपहर का टाइम है, धूप निकली हुई है, इतनी ठंडे पानी से नहा लेते हैं, क्या जरूरत है गर्म पानी से नहाने की। तो भाई जैसे ही मैंने पहला मग्गा पानी डाला ना भाई, मेरी आंखों के सामने एक सेकेंड की मेरी आत्मा निकलती हुई दिखी मुझे। जादू आया हमारे में, अल्लाह जादू। यार हम लोगों ने आजकल कर दिए, हमने नहीं मतलब मैंने कर दिया जिम शुरू, तो क्यों ना भाई थोड़ी बहुत डाइटिंग शाइटिंग की जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंडे लेने। ये भाई थोड़ा डाइटिंग शाइटिंग की जाए यार, मतलब प्रोटीन वाली डाइट ली जाए। तो मैं जाता हूँ मेहनत करके अंडे लेके आता हूँ, उसके बाद मस्त डाइटिंग शाइटिंग होगी, अपनी बॉडी बनाएंगे बॉडी। A few moments later. तो भाई निराशा के साथ घर वापस आते हुए आज भी हमारे हाथ सफलता नहीं लगी, हमारे जादू भाई जादू का जादू फेल हो गया। धूप नहीं है ना इसीलिए भाई सिट। हाँ तू करा मेरी बेइज्जती सबके सामने। ये हमारे प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर जो कि स्पेस से आए, हमारे जादू आज आपको सिखाएंगे सर्विस कैसे करनी है। ऐसे सर्विस करोगे तो सीधा नेट होगा। मेरा मतलब यही, आपको सिखाएंगे कि सर्विस कैसे नहीं करनी है। साइड तक पहले साइड हो जाए क्योंकि इनकी सर्विस इतनी पावर है कि आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं। ये देखो ये, और ये देखो भाई ये क्या पॉइंट है, नेट है ये। मैक्स सोच रहा है क्या करूँ इस बच्चे को, जाने या नहीं, और मैक्स ने फैसला कर लिया बॉल छीनने का। ये बॉल मुझे दे दे, मैक्स गला पकड़ इसका। मैक्स के साथ फुटबॉल खेलता हुआ हमारा एलियन, और मैक्स ने बहुत ही तेजी से बॉल छीन ली है भाई। मैक्स हमारा तगड़ा ड्रिबलर। इस शख्स ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है वॉलीबॉल खेलने की कि इसके बाल झड़ गए। ये देखो सही में झड़ गए। पापा मम्मी आ रहे हैं और मैक्स गाड़ी देख के एकदम खुश हो गया, खड़ा हो गया एकदम। ये भी सोया हुआ है यहाँ पे। मैक्स कौन आया, कौन आया? कितना खुश हो गया मैक्स। मैक्स कौन आया है? जनता जनार्दन की एंट्री होती हुई, ये फुटेज लेते हुए ये, और ये गिर गए। जाओ मिलके आओ, उनसे मिलने आया है कोई। वो देखो नीचे देखो। तो यार कल रात को खबर आई कि भाई जम्मू में एक आदमी ने तीन लोगों को गोलियां मार दी। वो जो आदमी था वो IRP का सर्विस मैन है, मतलब पुलिस में है। वो उनके घर में मिठाई लेके गया ये बोलने कि मेरा प्रमोशन हो गया है, और जब उनके घर में गया उसने उनको मिठाई खिलाई और फिर तीनों को गोली मार दी। और उस टाइम वहाँ पे उसके छोटे छोटे दो बच्चे भी थे और साथ में बीवी के भाई भी थे जो कि किसी तरह बच के निकल गया वहाँ से। पूरे इंसिडेंट्स में ये कहा जा रहा है कि यार पहले भी जो उसकी बीवी के घर वाले थे उन्होंने उस पर कंप्लेन की थी उसके खिलाफ कि ये उसको मारता है पीटता है जो भी, मतलब तीन चार बार ऐसा हो चुका है और उस पर कोर्ट केस भी चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। यार जब पहली बार कंप्लेन की गई होगी तो कहीं ना कहीं चलो मान सकते हैं कि यार डिपार्टमेंट का आदमी था तो डिपार्टमेंट ने कोशिश की होगी कॉम्प्रोमाइज़ करवा दें, क्योंकि यार क्यों फालतू में किसी की नौकरी वेस्ट करनी, मतलब उसकी नौकरी भी जाती सस्पेंड हो जाता बेचारा। लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार ऐसा हुआ, कोर्ट केस तक हो गया यार, फिर भी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर उस टाइम पर एक्शन लिया गया होता तो भाई आज ऐसा नहीं होता। यहाँ से यार ये दिखता है कि यार मतलब लोगों की मेंटेलिटी कैसी हो गई यार। मतलब वो खुद पुलिस का आदमी, उसको पता होना चाहिए भाई उसके एक्शंस का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज खबर आई कि सुबह सुबह वो पकड़ा भी गया गजनसू से, तो मतलब यार उसकी खुद की लाइफ तो उसने बर्बाद कर ही दी, लेकिन साथ ही साथ तीन लोगों की जो उसने डेथ की है उनकी फैमिली भी बर्बाद कर दी पूरी तरह। इससे एक चीज़ बस यही सामने आती है यार, सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग भाई जिनके दिमाग में सच में भूसा भरा हुआ है। जितनी गलती यार उस आदमी की है ना भाई, उतनी गलती कहीं ना कहीं सिस्टम की भी है। उस पर तीन चार बार कंप्लेन हो चुकी थी, केस चल रहा था उस बंदे पे भाई, तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया टाइम पे? अगर टाइम पे एक्शन लिया गया होता तो भाई आज ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि यार जो पुलिस वाले भाई इनको घर में वेपन्स अलाउड क्यों करते हैं? देखो अगर कोई जेन्युइन रीजन हो कि भाई सिक्योरिटी पर्पस के लिए, किसी सेंसिटिव एरिया में रहते हैं वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वेपन चाहिए तो समझ भी सकते हैं, लेकिन यार मेन जम्मू में जहां पे ऐसा कुछ है नहीं वहां पे भाई इनको घर में वेपन्स लेना अलाउड क्यों है यार?
पहला केस नहीं यार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि सर्विस वेपन यूज करके लोगों ने बाकी लोगों को मारा है यार। कहीं ना कहीं यार इस चीज पे ध्यान देना चाहिए ताकि यार आगे जाके ऐसा ना हो। बाकी यार एक सही में काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स था जो कि आई बिलीव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम लोग मतलब जैसे जैसे समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं यार, लोगों की मेंटेलिटी उतनी कम होती जा रही है, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। दोस्तों हमारे घर में जो ये जादू आ रखा है एलियन, इसको था जुकाम और अब एलियन से शायद मुझे जुकाम होने वाला है। मतलब मेरे को ऐसे गले में ऐसे लग रहा है कुछ, तो मतलब कल सुबह तक कंफर्म होगा। अगर हो गया तो भाई मैं इस अर्थ में पहला इंसान होगा जिसको किसी एलियन से बीमारी लगी हुई। तो यार दोस्तों फिर आज के व्लॉग को करते हैं पे समाप्त। मैं आपसे मिलता हूँ कल फिर से। कल तक आपको पता चल ही जाएगा मेरे को जुकाम है या नहीं, मतलब मुझे भी पता चल ही जाएगा, पर मेरे को भी लग रहा है कि शायद हो सकता है। तो चलो ठीक है। तो यार दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं कल, बाय।